आज बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत दिन है जहाँ हमारा दोस्त पोकोयो रहता है। ओ हेलो पोकोयो। हेलो। अरे अरे, ये उड़ता उड़ता क्या आया है पोकोयो? क्या तुम जानते हो ये है क्या? क्या आप में से कोई पोकोयो को बता सकता है कि ये क्या है? छतरी। हाँ, ये एक छतरी है पोकोयो। छतरी। बहुत खूब। और एक छतरी का इस्तेमाल, ओह अच्छा, तुम ये खुद पता करना चाहते हो। अच्छी बात है पोकोयो। अच्छा तो फिर, जैसे कि आज खूबसूरत खिलखिलाता, थोड़ा बहुत हवादार दिन भी है। अरे नहीं। ओ देखो, ये तो लोला है। ओ लोला, डर गए क्या? क्या हमारा दोस्त लोला नहीं जानता कि ये क्या है? कहाँ भाग गए दोस्तों? लगता है पोकोयो इससे खेलना चाहता है। खोला, बंद, खोला। हाँ, ये खुलता भी है और बंद भी होता है। बहुत अच्छे। अरे पोकोयो, अरे नहीं, तुम तो छतरी के साथ उड़ चले। ओ लोला, पोकोयो को पकड़ना होगा और तेज। ओह नहीं, अब तुम वहां से नीचे कैसे उतर पाओगे? ओह अब समझा। तो मैं कहा था खूबसूरत भी, पर कभी कभी थोड़ा हवादार दिन। ओ तो अच्छा पोकोयो, शायद तुमको इसे और ध्यान से देखना चाहिए कि एक छतरी का असल इस्तेमाल क्या हो सकता है। क्या तुम्हें भी क्वैक क्वैक की आवाज सुनाई दी? ओ हाँ पोकोयो, अच्छी तरकीब है। ओ, वो क्या है? नहीं पता। ओ क्या तुम्हें लग रहा है कि ये छतरी चल रही है? क्या सच में? सब ठीक है बेटो, तुम बाहर आ सकते हो। हेलो एली। शायद एली को पता हो छतरी किस काम आती है। अब ये एली कहाँ को चल गई, कुछ समझ नहीं आया। तो बहुत ही शानदार तरीका था छतरी को काम में लेने का। पर
मुझे लगता है हमें ऐसे किसी और काम में लेना होगा और वो भी जल्द ही। मुझे लगता है पोकोयो और उसके दोस्त भीगने वाले हैं। जब तक कि पोकोयो, क्या तुम कुछ भी ऐसा सोच सकते हो जो भीगने से बचा सके? क्या तुम में से कोई भी पोकोयो को बताएगा कि वो भीगने से कैसे बच सकता है? एक छतरी, छतरी। बिल्कुल सही पोकोयो, छतरियां भीगने से बचाती हैं। वाह वाह पोकोयो। तो जैसा मैं कह रहा था, पोकोयो और उसके दोस्तों के लिए आज है हवादार, छायादार, बरसाती, खूबसूरत और चमकदार दिन। आपकी और पोकोयो की मदद से अच्छा और साफ भी। चलो अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। पोकोयो आज ढेर सारी मस्ती करने वाला है। उसका दोस्त पेटो जो खेलने आने वाला है। ये क्या है? मेरे हिसाब से ये छाया है। डरने की बात नहीं है पोकोयो, घबराओ नहीं। हाँ, लगता है छाया तुम्हारा पीछा कर रही है। ऐसे तो तुम पूरा दिन भागते ही रहोगे पोकोयो। तुमको ये जानना होगा कि आखिरकार ये छाया आ कहाँ से रही है। क्या आप में से कोई पोकोयो को बता सकता है कि छाया कहाँ से बन रही है? हाँ, ये है एक छोटा सा बादल, पर ये आया कहाँ से? पोकोयो, तुम फिर से क्यों भाग रहे हो? रुक जाओ, ये एक छोटा सा बादल ही तो है। ये बादल तो पोकोयो के ऊपर से हट नहीं रहा है। ओ, लगता है पोकोयो कहीं छुप गया है। अरे यहाँ हो तुम? अरे नहीं, बादल ने तुम्हें देख लिया। ये कौन हंस रहा है दोस्तों? ओ, ये लो पेटो आ गया। शायद तुम्हें इससे मदद मांगनी चाहिए। लगता है पेटो भी सोच रहा है आखिर ये छाया आ कहां से रही है। अच्छा बेटो, इतनी हंसी आ रही है। तो अब बताओ बेटो, अब क्यों हंसी रुक गई तुम्हारी? ओह बेटो को भी ये बादल पसंद नहीं आया है। अरे अरे बच गए। क्या तुम दोनों ठीक हो? कहा था ना मैंने पोकोयो, भागने से कोई फायदा नहीं। लो, ये तो दोनों ही नहीं सुनने वाले हैं दोस्तों। इस बादल से पीछा कैसे छूट पाएगा? बादल, जाओ दूर। अरे नहीं पोकोयो, शायद बादल को बुरा लग गया है। बारिश? मुझे लगता है छोटा सा बादल रो रहा है। बादल रो रहा है? अजीब बात है, पर जहां तक मुझे लगता है, हाँ, मेरे ख्याल से बादल की भावनाओं को चोट पहुंची है। मैं सोच रहा हूँ अब तुम उसको मनाने के लिए क्या करोगे पोकोयो? क्या तुम्हें तरकीब सूझी है? बताओ ना क्या है वो। ओ, अब समझ आया, तुम बादल से बात करना चाहते हो। ये कमाल की सोच है, पर मुझे नहीं लगता बादल तुम्हें सुन पा रहा है पोकोयो। चिल्लाओ,
एकदम सही पोकोयो, अगर आप सब मिलकर चिल्लाओ तब शायद ये छोटा बादल सुन पाएगा। शानदार, ये काम कर गया। अरे वाह, मुझे लगता है छोटे बादल को आप पसंद आ गए पोकोयो। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे लगता है कि बादल को एक दोस्त की तलाश है। दोस्त पोकोयो, बादल दोस्त, दोस्त। मुझे लगता है बादल अपने दो नए दोस्तों को घुमाने ले जाना चाहता है। मतलब आप भी बैठो बैठो। कैसा लग रहा है आप दोनों को? मजा आ रहा है ना? ये तो काफी आरामदायक सैर लग रही है। मजेदार, ये देखो लूला, ऊपर देखो लूला। चलो चलो, लूला को भी सैर पे ले चलो। और ये रही एली। देखो एली, पोकोयो और पेटो ने एक दोस्त बनाया है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक नए दोस्त को बनाने से बेहतर और कोई खुशी नहीं होती। दिन बन जाता है। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। अच्छा जी, तुम्हारे पास एकदम नया खिलौना है, ये है क्या पोकोयो? क्या आप में से कोई बता सकता है कि पोकोयो का ये नया खिलौना क्या है? ये जहाज है, ये एक हवाई जहाज है। हाँ बिल्कुल सही, जहाज। ओ, पोकोयो को जहाज वाला खिलौना पसंद है, पर समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। ओह अच्छा, वो दिखा कर बताएगा इस क्यों का जवाब। अरे ये तो उड़ चला। शानदार पोकोयो। अरे अरे बच के अली, ये आया जहाज। वाह, ये तो लौट आया तुम्हारे पास पोकोयो। ये अली कुछ कहना चाहती है। लगता है अली भी जहाज उड़ाना चाहती है। देखो तो पोकोयो, तुम्हें कितने प्यार से मना रही है एली। हाँ पोकोयो भी मान गया, ये लो एली। क्या तुम जानती हो इसे कैसे उड़ाते हैं एली? ओ अच्छा, तुम जानती हो, बताओ कैसे। सही है, इसे घुमाते रहो, पर ज्यादा मत घुमा देना एली। अरे 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 एली, आराम से, इतना भी नहीं घुमाते। जहाज, जहाज, नहीं। देखो ये कितना ऊपर चला गया। ओह, हमने पोकोयो का जहाज खो दिया। इसे अब हम कैसे ढूंढेंगे जब ये दिख ही नहीं रहा है? एक टेलीस्कोप, क्या कमाल का विचार है पेटो। जब कोई टेलीस्कोप से देखता है तो वो दूर तक की चीज भी देख सकता है। जल्दी पोकोयो, देखो इस टेलीस्कोप से। क्या कुछ दिखा पोकोयो? ओ शायद जहाज उड़कर दूर अंतरिक्ष में चला गया है। अब हम इसे वहां से कैसे ला सकते हैं? ओ पोकोयो तो काफी गुस्सा भी हो गया है अली। ओ हाँ, बेशक वैमूश।
वाह शानदार, ये तो जहाज की खोज के साथ साथ अंतरिक्ष की यात्रा भी हो गई। एक तीर दो शिकार। अरे ये तीनों तो किसी और ग्रह पर उतर चुके हैं। ओह ये तो एलियंस हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। पर पोकोयो तो वो है जो कहीं भी खेलने को तैयार है। ये देखो वो एलियंस के साथ भी मजे करने लगा। वाह क्या मजा है। पर तुम्हारे जहाज का क्या हुआ पोकोयो? शायद इन एलियंस को कुछ मालूम हो। हवाई जहाज। लगता है ये लोग आपस में बातचीत करके एरोप्लेन का पता लगा रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ वो रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम वहां तक पहुंच पाओगे पोकोयो, ना ही एली या पेटो। क्या तुम किसी को जानते हो जो वहां तक पहुंच सके पोकोयो? मैं भी नहीं जानता। शायद ऐसा कोई जो खींच सकता हो। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वहां तक पहुंचकर कौन पोकोयो का जहाज ला सकता है? एक एलियन। हाँ सही जवाब। याहू! हमारे नए एलियन दोस्त ने घर दिखाया। वाह वाह। और एली जहाज को फिर उड़ाना चाहती है, पर पोकोयो ने इस बार कहा नहीं। चलो ठीक है पोकोयो, अब अपनी धरती पर वापस चलना चाहिए, है ना? ओ, लगता है एलियंस कुछ कहना चाहते हैं। चलो पार्टी करें। कमाल का आइडिया। येलो नाच गाना और पार्टी शुरू। वैसे जहाज मिलने के साथ में पोकोयो को ये नए दोस्त भी मिल गए हैं। क्या बात है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।